गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक न्यूज़ आ रही है आज कि आरबीआई ने एलओयू यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को डिसकंटिन्यू कर दिया है नीरव मोदी स्कैम के बाद में। तो इसीलिए देखते हैं कि आज की एलओयू होता क्या है। तो आइए दोस्तों, पहले थोड़ा सा जानते हैं कि नीरव मोदी स्कैम में क्या था। नीरव मोदी स्कैम, देखिए नीरव मोदी का जो स्कैम है वो 3000 करोड़ रुपीज स्कैम है और ये पीएनबी के थ्रू हुआ था, पीएनबी बैंक के थ्रू हुआ था। अब इसमें जो मेन इशू है वो है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू किए गए थे पीएनबी बैंक के द्वारा। तो ये क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, नीरव मोदी एक डायमंड मर्चेंट है, ये हीरे का व्यापारी है। तो जब ये हीरा इम्पोर्ट करता है या डायमंड इम्पोर्ट करता है तो इसके लिए इसको इम्पोर्टर या जो सप्लायर है, एक्सटर्नल सप्लायर है, उसे पेमेंट करना होता है। और जब इसे ये पेमेंट करना होता है, देखिए ये है नीरव मोदी और ये है एक्सटर्नल सप्लायर। तो एक्सटर्नल सप्लायर नीरव मोदी को देता है डायमंड और बदले में नीरव मोदी इसे देता है पेमेंट। और ये पेमेंट करने के लिए नीरव मोदी अपने बैंक को बोलता है, जैसे नीरव मोदी का बैंक है पीएनबी, तो नीरव मोदी अपने बैंक को बोलता है कि आप मेरे एक्सटर्नल सप्लायर को पेमेंट कीजिए। तो अब ये पीएनबी क्या करेगा कि एक्सटर्नल सप्लायर कहाँ का है पहले तो देखेगा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक्सटर्नल सप्लायर साउथ अफ्रीका का है, फिर ये बैंक साउथ अफ्रीका में देखेगा कि कौन सा बैंक की फॉरन जो इंडियन बैंक है, कौन से ऐसा बैंक है जिसकी साउथ अफ्रीका में ब्रांच है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि अलाहाबाद बैंक की ब्रांच है यहाँ पे, तो अलाहाबाद बैंक की अगर साउथ अफ्रीका में ब्रांच है तो पीएनबी फिर वहां पे एक एलओयू इशू करेगा, एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अलाहाबाद बैंक को स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू। अब देखिए स्विफ्ट क्या होता है, स्विफ्ट एक इंटर बैंक मैसेजिंग सिस्टम है जिससे जो बैंक्स हैं आपस में कम्युनिकेट यानी आपस में बातें करते हैं। तो पीएनबी एक एलओयू इशू करेगा अलाहाबाद बैंक को कि आप जो ये एक्सपोर्टर है, एक्सटर्नल सप्लायर है, इसको आप पैसे का पेमेंट कर सकते हैं, इसकी गारंटी हमारी होगी। तो अलाहाबाद बैंक फिर इसको पेमेंट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसके बदले में क्या होगा, अब पीएनबी अलाहाबाद बैंक को पैसे दे देगा। और ये किस, इसके लिए अलाहाबाद बैंक को क्या मिलेगा, देखिए इनको जो मिलेगा वो है माइबोर। माइबोर क्या है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ये एक इंटरेस्ट रेट होता है जो कि बैंक आपस में एक दूसरे को चार्ज करते हैं अगर ये एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं तो। अब देखिए पीएनबी को क्या मिलेगा, पीएनबी नीरव मोदी से फीस चार्ज करता है कि हमने तुम्हें एलओयू इशू किया था। लेकिन अभी स्कैम क्या है यहाँ पे, स्कैम देखिए दोस्तों ये है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलओयू होते क्या है, ये एक एक्सटर्नल सप्लायर को इशू किए जाते हैं, ब्रांच जो बैंक्स हैं वो दोनों इंडियन हैं और होते स्विफ्ट के थ्रू है। स्कैम ये है कि ये एलओयूज जो पीएनबी के खाते हैं उनमें कभी शो ही नहीं किए गए। तो इसीलिए क्या हो रहा था कि एलओयू इशू तो होते जा रहे थे लेकिन पीएनबी के खाते में शो नहीं हो रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि एक एलओयू का जो पेमेंट था वो पेमेंट दूसरे एलओयू से किया जा रहा था। मतलब ये कि एक उधार का पेमेंट आप दूसरे उधार से कर दो, फिर दूसरे का उधार का तीसरे से कर दो, इसे हम कहते हैं रोल ओवर, कि आप उधार से ही उधार का पेमेंट करते चले जाओ। तो नीरव मोदी का पेमेंट कहीं हो ही नहीं रहा था, बस ये उधार उधार चला जा रहा था। और ये संख्या, अब ये अमाउंट टोटल बढ़ के 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। तो इसीलिए फाइनली आके अब आरबीआई ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब आज से आरबीआई ने कह दिया कि ये एलओयूज का सिस्टम हम बंद करते हैं, अब ये नहीं चलेंगे। तो अब ऑप्शंस क्या है किसी इम्पोर्टर के लिए, अब वो लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करवा सकता है। लेटर ऑफ क्रेडिट में दोस्तों क्या होता है कि इसमें आपके बैंक अकाउंट में पहले से ही पैसा पड़ा होता है, उसके बेसिस पे आप एलओसी जारी करवा सकते हैं किसी बैंक से। तो ये था एलओयू और पीएनबी स्कैम। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। और दोस्तों लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि ये आपको समझ में आया, कमेंट कीजिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसे और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।